स्कोप क्या है, और स्कोप ये है कि जो एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें आएंगी, मोस्टली मैं आपको बता चुका हूँ, बस वही चीज एक तरीके से लिखने के हिसाब से कि पेपर में आ गया तो क्या लिखोगे। तो मैं बोलता जाता हूँ पहले, फिर मैं समझाता हूँ। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लो, अगर स्क्रीन शॉट ले रहे हो तो स्क्रीन शॉट ले रहे हो। तो क्या बोलता है ये, सबसे पहले वेन वेयर एंड हाउ ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन अर्थ। ठीक है, थोड़ा सा सोचो अपने माइंड में कि क्या बोल रहा है। वेन मतलब कब, यानी कि इसमें आपको टाइम बताना होगा कि फर्स्ट टाइम जो ह्यूमंस थे वो अर्थ पे कब अपीयर हुए। तो अब देखो ह्यूमन ऐसे कहीं से किसी ने दूसरे प्लेनेट से ला के तो रखे नहीं है, ये इतना हम जानते हैं, अब साइंस एडवांस हो चुकी है। तो हुआ क्या होगा कि एक एवोल्यूशनरी स्टेज होगी जिसको हम बोलेंगे कि यहाँ से नेक्स्ट वाले जो थे ये हमारे जैसे दिखते हैं आज की डेट में, उनको हम ह्यूमंस की कैटेगरी में लाई करेंगे। और कुछ नॉन ह्यूमन, जैसे हमें पता तो है कि एप्स वगैरह से ही हमारा जो है ये एवोल्यूशन हुआ, तो लेकिन एप्स वगैरह को हम नॉन ह्यूमंस पे कर देते हैं। तो एक स्टेज आती है जिसके बाद हम करेंगे, वो देखेंगे हम स्टेज क्या है। वेयर, वेयर से क्या मतलब है, वेयर से ये मतलब है कि एक्चुअल में अर्थ पे अगर हम ज्योग्राफिकली, ज्योग्राफी की टर्म्स में देखें तो सबसे पहले एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं कि ह्यूमंस कहाँ पे अपीयर हुए हैं। क्या वो इंडिया में अपीयर हुए हैं, क्या वो बांग्लादेश में हुए हैं, पाकिस्तान में हुए हैं, चाइना में हुए, कहाँ हुए। तो देखो अभी तक तो आपको पता चली वेयर का, क्योंकि मैं दो तीन बार आपको बता चुका हूँ कि ह्यूमंस के हमारे पास जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं तो वो हमारे पास अफ्रीका से हैं। हमारे पास एविडेंस आते हैं कि जो अफ्रीका कंटिनेंट है ना, ठीक है, तो अफ्रीका कंटिनेंट से क्या हुआ है, यहां से निकल के लोग जो हैं वो बाहर आए। तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा था, फिर से बता देता हूं कि जो ये वाला पार्ट है ना वेयर, कि अर्थ पे कहां पे जो ह्यूमंस हैं ये अपीयर हुए फर्स्ट टाइम और अब तक कैसे कैसे चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो जो भी अभी रिसेंट एविडेंसेस मिलते हैं, हाइपोथेसिस मिलते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है ना यहीं पे ओरिजिन हुआ है और यहीं से ह्यूमन जो है ये सब जगह गए हैं। हर एक आइलैंड पे अफ्रीका से ही ह्यूमन्स गए हैं, और अफ्रीका से भी ना एक फेस में नहीं गए, दो फेसेस में गए, पहला फेस वन और फेस टू। यही हमने पढ़ा था जब मैंने आपको कहाँ पे रिलेट करके बताया था, स्वांते पाबो ने जो नेंडरथल की स्टडी की वहां पे फर्स्ट टाइम जब आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ ना, ये लोग जो यूरोप वाली साइड गए ये थे हमारे नेंडरथल्स। और सेकेंड टाइम फिर दोबारा से कुछ कई हजार सालों के बाद जब दोबारा से एक मान लो एक बार काफी लोग बाहर चले गए बाकी यहीं रह रहे हैं, तो फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा जब ये गए सेकेंड फेज में, तो ये जब यूरोप में गए तो ये थे आज की डेट के जो वहां पे जो नेटिव्स हैं यूरोप में, मतलब होमो सेपियंस। और जब यूरोप ये पहुंचे तो वहां पे अब दो टाइप के लोग आ गए, एक नियंडरथल्स और एक होमो सेपियन। अभी तक हमें ये लगता था कि ये दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, मतलब जैसे हम बंदरों से बने एप से, तो हमें लगता था शायद ये एप से जुड़ता मिलता जुलता है और हम थोड़े से एडवांस्ड हैं। लेकिन अभी जो स्वांते पाबो की डिस्कवरी है उससे हमें पता चला कि नहीं भाई, ये दोनों सेम ही उसके थे और आपस में इनमें इंटरब्रीडिंग भी हुई है। और आज की डेट में जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं, इनफैक्ट इंडियंस भी, तो हमारे में भी जो होमो नियंडरथल के 4% जीन जो है वो प्रेजेंट। नेक्स्ट, ये हम और इन डेप्थ पढ़ेंगे आगे चल के, एंड हाउ ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन अर्थ। अब हाउ वाला फैक्टर जो है कि कैसे बने, इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हम पढ़ते हैं ना उसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे जन्म होता है पूरा, हम सेल डिवीजन से लेके तो पूरा एडवांस स्टेज तक पूरा हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाता है व्हाई ह्यूमंस डिफर फ्रॉम अदर एनिमल्स, इसमें भी हम अलग से पढ़ते हैं जो बायोलॉजिकल फिजिकल वाला है उसमें हम पढ़ते हैं जैसे मैन वर्सेस एप। तो हम देखेंगे कि इंसान ऐसा क्या हुआ ड्यूरिंग एवोल्यूशन, ऐसी कौन सी स्टेज आई, ऐसा क्या हुआ जहाँ पे जो मैन है ये एप से या नॉन ह्यूमन से ना फ्रॉम एनिमल्स, तो एनिमल्स में एप्स भी आ जाएगा। एप मैं इसलिए लेके समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आसान है, आप लोग रिलेट कर सकते हो, बट इसमें हम पूरा पढ़ेंगे। इसमें हम लोग लार्सीज पढ़ेंगे, जो अलग अलग चीजें आप लोग देखोगे, मतलब बड़े सारे हम एनिमल्स ऐसे देखेंगे जो ह्यूमन एवोल्यूशन में अलग अलग स्टेजेस पे आए और ह्यूमन उनमें से सबसे ज्यादा एडवांस्ड है जो आज की स्टेट, बाकी जो थे वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए। हम देखेंगे किस वजह से हुए होंगे। तो जो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया ना बायोलॉजी एवोल्यूशन कैसे कल्चरल एवोल्यूशन को इम्पैक्ट करता है, उसी हिसाब से आपने सोचने की कोशिश करनी है, उन्हीं लाइंस पे हम आगे देखेंगे। फिलहाल स्कोप में हम ये देखेंगे क्या क्या स्कोप है, हम पढ़ेंगे क्या। तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे ऐड कर लिए थे कॉपी से, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा, आप यहीं से थोड़ा थोड़ा समझते चलो। तो जब ये क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से हम एक माइंड मैप बनाते हैं
उसमें हम ऐसे सेंटर में बनाते हैं फ्लो चार्ट सा कि स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, और फिर हम उसमें एक ब्रॉड चीज बना देते हैं, इट इज वेरी ब्रॉड इन इट स्कोप। और ब्रॉड स्कोप में क्यों है, क्योंकि इसमें देखो हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम फिजिकल नेचर पढ़ते हैं, सोशल नेचर पढ़ते हैं, कल्चर नेचर, सोशल और कल्चर बेसिकली एक ही चीज होती है, कल्चर देखेंगे हम बाद में डिफरेंशिएट करेंगे, फिलहाल आप इन दोनों को क्लब करके ही सोचना, ठीक है। तो फिजिकल यानी बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल में हम क्या ओरिजिन एवोल्यूशन और वेरिएशन पढ़ते हैं, सिमिलरली सोशल कल्चर का भी पढ़ते हैं, और इसमें इनसाइड जाके हम अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशन किस तरीके के होते हैं, जैसे मैरिज हो गया, फिर हमने सोसाइटी के अलग अलग पार्ट देखे, जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन, फैमिली देखेंगे हम, किनशिप देखेंगे, किनशिप रिश्तेदारों को बोलते, तो हम देखेंगे रिश्तेदारों की हम जेनेसिस देखेंगे कि इनिशियली कैसे स्टार्ट हुआ, किन किन को हम फर्स्ट लेवल ऑफ किन समझते हैं, किन को सेकेंड लेवल समझते हैं, किन को थर्ड लेवल, और फिर देखेंगे उनके बीच में रिलेशन कैसे होते हैं, कि क्या हम हर एक किन ग्रुप के साथ सेम तरीके से डील करते हैं, या इकोनॉमिकली भी कुछ इम्पैक्ट होता है अलग अलग किनशिप में। इसमें हम एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन ट्राइब है ना, ओरिजिन एबोरिजिन क्या होता है, नेटिव्स, एबोरिजिन सुन के आप लोग घबराना नहीं, जो नेटिव हो गया, इंडिजीनियस हो गया, इसी का सिनोनिम वर्ड है एबोरिजिन। तो ऑस्ट्रेलियन जो ट्राइब्स थी वहां के नेटिव्स, और वो हंट क्या करते हैं वहां पे, कैंगरू, कैंगरू होता है ना एक जानवर होता है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, तो वो क्या करते हैं जब भी उसको हंट करके लाते हैं ना कैंगरू को, तो उसके जो कैंगरू को जब वो लोग प्रोसेस करते हैं उसके मीट को, तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन देयर किनशिप, मतलब मेरा कौन सा किन, मतलब रिश्तेदार, रिश्तेदार में सारे हो सकते हैं, पेरेंट्स, भाई बहन, ये सारे जो पेरेंट्स वगैरह होंगे और भाई बहन होंगे, ये फर्स्ट डिग्री ऑफ किन्स आ जाएंगे, फिर सेकंड में मतलब इनके आगे। तो वो क्या करता है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप कि हमारा उस किन से कैसा रिलेशन है, हम वो जो उस कैंगरू को हंट करके लाया होता ना उसके बॉडी पार्ट्स हम वैसे वैसे बांटते हैं, मतलब लेट से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, जैसे लेट से आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो और जैसे चिकन आप लोगों ने लाया काटा, तो फिर क्या करते हैं, जैसे अभी आज हम लोग देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं कि हमें लेग पीस दो, हमें ये दो, तो यानी कि लेग पीस की एक क्या है, एक इंपॉर्टेंस है। तो वहां पे भी ऐसे जब कैंगरू को हंट करके लाते हैं तो कैंगरू का जो लेग पीस होता है वो फिर उस हिसाब से उनको देते हैं। इसको आपने मूवी से भी रिलेट करना है, जैसे अभी एक लेटेस्ट साउथ की मूवी आई थी कंतारा, अगर आप लोगों ने देखी है कंतारा, बहुत अच्छी मूवी आई थी, देखनी चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स को तो जरूर देखनी चाहिए, मैं क्लास में बोलते हैं, उसमें रिलीजन का एस्पेक्ट भी दिया हुआ, उसमें जो बट्टू वो जो कोला करते हैं उसका आपने देखना है कि वो विष्णु का क्या अवतार है, री इनकारनेशन कैसे बताते हैं, और दूसरा उसमें देखना कि वो जो उनके जो ट्राइबल मतलब उनके जो विलेज के हेड होते हैं, तो जब भी वो हंट करके लाते हैं तो हंट करने के बाद जो उसका लेग पीस या जो लेग वाला थाई वाला जो पोर्शन रहता है वो स्पेशली उसको जाके देते हैं, यानी कि वो उसको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उस हिसाब से जो बेस्ट पार्ट है उस एनिमल का, उनके जो भी उन्होंने हंट करके लाया हुआ वो उसको देते हैं। तो वो सेम चीज में आपको यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जैसे बेस्ड ऑन किनशिप टाइज जो बेस्ट चीज होती है वो हम अपने क्लोजर वंस के लिए रखते हैं। फिर ये चीजें हम वहां डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंथ्रो और क्या करता है स्कोप में, इट सीक्स आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस, ठीक है, जवाब ढूंढने की कोशिश करता है कुछ कुछ सवालों के। अब क्या सवाल है, एक तो ये जो हमने ऊपर देखा हाउ वाई एंड वेयर ह्यूमंस अपीयर्ड अपॉन अर्थ, ये हम पढ़ते हैं। फिर वाई ह्यूमंस डिफर फ्रॉम अदर एनिमल्स, ये तो आप लोग समझते हो ना कि ह्यूमंस अलग है बाकी एनिमल्स से, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर वाई ह्यूमंस डिफर बायोलॉजिकली एंड कल्चरली अमंग देमसेल्व्स, फिर एक तो हम देख रहे हैं कि बाकी जानवरों से ह्यूमंस अलग कैसे हैं, और फिर हम इसमें एक ये भी एस्पेक्ट स्टडी करते हैं कि विद इन ह्यूमंस ही हम लोग अलग कैसे हैं। अब आप खुद ही देखो, अपने घर में ही देखो, क्या सब एक जैसे हैं, अलग है। फिर अपने नेबर्स में देखो, जैसे जैसे आप ये दायरा बढ़ाते जाओगे ना, जैसे अभी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अब जम्मू और कश्मीर ये दोनों भी देख लो, दोनों में डिफरेंसेस आता है। जम्मू में ही देख लो, जो थोड़ा सा माउंटेनियस रीजन में लोग रह रहे हैं और जो प्लेन रीजन में रह रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। लद्दाख वाली साइड चले जाओ तो देखो हम उनसे डिफरेंट है। तो ये क्यों है, ये बेसिकली वेरिएशन किस वजह से है, ये हम यहाँ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या चीजें देखते हैं। तो ये स्टडी करता है ह्यूमंस के सारे एस्पेक्ट्स, एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमंस, और इसी को हम होलिस्टिक बोलते हैं। फिर हिस्टोरिक भी पढ़ता है, ये पूरी हिस्ट्री में चला जाता है, और कंपेरेटिव यानी कि कंपेयर कर करके देख रहा है। जैसे मैं आपको कंपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है, जैसे आप कंपेयर मैंने क्या करवा दिया आपको, प्लेन वाले एरिया में देखो जो प्लेन एरिया में लोग रह रहे हैं, और थोड़े से माउंटेन वाले एरिया में देखो जो माउंटेन में लोग रह रहे हैं। तो ये इस तरीके से एंथ्रो क्या करता है, कंपेयर करता चला जाता है, पूरे जहां पे भी हमने पढ़ना होता है हम कंपेयर कंपेरिजन करके पढ़ते हैं। तो इसे होता क्या है कि इट स्टडीज डिफरेंट ह्यूमन ग्रुप्स कंपेरेटिवली, तो ये हम पढ़ेंगे। फिर और क्या करता है, स्कोप क्या है, इट स्टडीज ऑल टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, तो हर एक टाइप की पॉपुलेशन, चाहे वो
बेसिकली जैसे अब हम पेपर टू पढ़ेंगे तो उसमें हम अपने पॉपुलेशन को कैटेगराइज करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो मेन जो दो एस्पेक्ट्स रहते हैं हमारा, एक तो रेस के बेस पे रहता है, ठीक है, और एक लैंग्वेज के बेस पे रहता है। तो रेशियल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। तो रेशियल क्लासिफिकेशन कैसे आ जाएंगे, जैसे कुछ हो जाएंगे आर्यन रेस के, कुछ द्रविडियन हो जाएंगे, कुछ मंगोलाइड्स हो जाएंगे, कुछ मतलब अलग अलग देखेंगे, अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने अलग अलग हिसाब दिए होंगे। सिमिलरली लैंग्वेज के बेस पे भी देखेंगे, कुछ लोग द्रविडियन लैंग्वेज बोलेंगे, कुछ लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है, अलग अलग हिसाब से। फिर और क्या है इसका स्कोप, इट स्टडीज द पास्ट एंड प्रेजेंट ऑफ ह्यूमंस। तो ये तो हमने देख ही लिया कि पास्ट से ही आज तक पढ़ने आ रहे हैं, और इसमें हम अलग अलग एस्पेक्ट देखेंगे, जैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखेंगे, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखेंगे, फिर और क्या देखोगे, सोशल एस्पेक्ट देखोगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखोगे। तो पास्ट से लेके अभी तक, अभी हमने ऊपर देखा ना क्रोबर की डेफिनेशन देखी, तो वो भी ये बोल रहा है, सिंस द ह्यूमंस अपीयरेंस अपॉन अर्थ टिल प्रेजेंट टाइम। फिर आगे क्या है, इट स्टडीज द प्री ह्यूमन एंड सब ह्यूमन फॉर्म ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो प्री ह्यूमन कौन से आ जाएंगे, यही आ जाएंगे, जैसे नियंडरथल, होमो नियंडरथल। तो इसमें हम और भी मैं नाम इंट्रोड्यूस करूंगा, अभी मैं ज्यादा नाम नहीं ले रहा क्योंकि नाम सुन के कंफ्यूजन हो जाती है। आप प्री ह्यूमंस कंसिडर करो, प्री ह्यूमंस या आर्केक ह्यूमंस, वो ह्यूमंस हैं जो आज की डेट में होमो सेपियन आपको दिखते हैं। तो डायरेक्टली ऐसे तो नहीं थे ना, ड्यूरिंग द फेस ऑफ एवोल्यूशन बीच में कुछ ऐसे भी इंसान की प्रजातियां होंगी जैसे होमो नियंडरथल, जिसमें जो आज की डेट में नहीं रहा है, वो एक्सटिंक्ट हो गया। फिर इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन इन ऑल टाइम्स, ठीक है। तो हम बिहेवियर भी देखेंगे ह्यूमन का इन ऑल टाइम्स। तो पहले कैसा होता था ह्यूमन का बिहेवियर, अब ये डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए जब इंसान को साइंस की समझ नहीं है, ठीक है, और बारिश हो रही है, तो उसे क्या लगेगा, वो बारिश को नहीं समझ पाएगा, उसको लगेगा कि कोई ऐसी नेचुरल पावर है, कोई सुपर ऑर्गेनिक पावर है, सुपर नेचुरल पावर है जो हमारे ऊपर कंट्रोल करने की, मतलब कंट्रोल करना चाह रहा है। तो फिर वो क्या करेंगे, उसकी वर्शिप उस टाइप से स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए हमने देखा कि हिंदू रिलीजन से अगर आप एसोसिएट करो, तो हमने इंद्रदेव की पूजा स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर हमें आग से डर लगता था, तो हमने अग्निदेव की स्टडी कर दी। अब आग जब जंगल में लगती है तो हवा चलती है, उससे क्या होता है कि आग फैलती है, तो हमने वायु देव की पूजा करना स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके से इंसान को जो जो डर लगता था, फियर्स थे नेचुरल चीजों से, उन फियर्स से बचने के लिए इंसान ने क्या कर दिया, एक रिलीजन या मैजिक के तौर पे उसको पूजा करना, एक तरीके से बिलीफ सिस्टम उसमें डाल दिया कि अगर मैं इसकी पूजा करूंगा तो कल को मुझे क्या होगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करते हैं, और स्कोप के जो कंक्लूजन लिखना है हमें, ठीक है। तो स्कोप के कंक्लूजन में फिर हम इस तरीके से लिखेंगे कि जो एंथ्रो है, इट इज ऑल्सो इक्वेटेड विद द मिरर। मिरर क्यों, इसको समझो थोड़ा सा। मिरर क्या करता है, जब भी हम शीशा देखते हैं तो हमें अपनी ही चीज दिखाता है, हम अपने अंदर झांक के देखते हैं शीशे में। तो एंथ्रो क्या है, इट स्टडीज दी बेसिकली ह्यूमंस, पहले हमने मैन देखा, बाद में हम ह्यूमंस कर रहे हैं। तो मिरर यानी कि इंसान को ही उसकी अपनी जो पहचान है वो बताता है, ये कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरा, इट्स अ साइंटिफिक ऑफ ऑल दी सोशल साइंसेस। अब बेसिकली ये आप ज्यादा अच्छे से समझ तब पढ़ पाओगे जब आप बाकी सोशल साइंसेस भी पढ़ोगे। तो बाकी सोशल साइंस कैसे हो गए, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री वगैरह हो गया। तो ये बोलता है कि जितनी भी सोशल साइंसेस है ना, उन सबसे साइंटिफिक जो ब्रांच है वो एंथ्रोपोलॉजी है, और इसको फील्ड साइंस भी इसीलिए कहा जाता है। फील्ड साइंस क्या होता है, फील्ड साइंस ये होता है कि जिसमें आप लोग क्या करते हो, आप लोग डायरेक्टली ट्राइब्स के बीच में जाके पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जितनी चीजें मैं आपको केस स्टडीज बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स हो गए, फिर आपको कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल बताया, जैसे कमिंग ऑफ एज ऑफ समोआ, ये जैसे फ्रेंच बॉयज का बताया कि जैसे मान लो अभिनव थिएटर में जाके हम लोग कल से किसी ट्राइब के बारे में प्ले करने लग पड़े या कुछ करने लग पड़े। तो ये सारी चीजें जो है ये पार्टिसिपेट करने के बाद ही आती है। तो यानी कि इसलिए अगर आप एक अपनी लैब से निकल के बाहर जा रहे हो, अपने घर से निकल के बाहर जा रहे हो, तो वो चीज एंथ्रो में क्या कंसिडर किया जाता है, फील्ड, ठीक है। तो इसलिए एंथ्रो को सबसे इंपॉर्टेंटली क्या बोला जाता है, इट इज अ फील्ड साइंस। तो हम देखेंगे चैप्टर 1.2 1.3 में जब एंथ्रो का कंपैरिजन होगा बाकी ब्रांचेस से, तो एक सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा कि एंथ्रो इज अ फील्ड साइंस बट द अदर वन इज नॉट। जैसे मान लो सोशियोलॉजी से कंपैरिजन करा लो, तो यही आएगा कि एंथ्रो में फील्ड वर्क होता है, सोशियोलॉजी में नहीं होता। हालांकि अगर आप कंटेम्पररी टाइम्स में देखोगे तो एंथ्रो को देख देख के जो बाकी ब्रांचेस है ना, इनमें भी फील्ड साइंस स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हमने एक तरीके से, जब अगर हमें 10 मार्क का क्वेश्चन आता है या 15 मार्क का आता है, तो उसमें लिखा होता है कि स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बताओ, तो फिर हमने उसको इस तरीके से ब्रॉडली एक्सप्लेन करना है। आप लोग भी इसी तरीके से करोगे और अच्छे से आप तब कर पाओगे, जैसे इसकी मैंने पहली असाइनमेंट दी हुई है आपको, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी की जो फर्स्ट असाइनमेंट मैंने आपको दी हुई है। तो जब आप जाओगे उस असाइनमेंट में, तो फिर आप लिखोगे उसमें,
तो उसमें आप मीनिंग भी लिखोगे, दो चार डेफिनेशन लिखोगे, आप ऑलरेडी देखना उसमें ना, मैंने गुड कॉपी शेयर की हुई है। तो जैसे क्लास में कुछ बच्चों ने, जैसे जब ये चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो फिर मैंने उनको दिया था कि आप क्या करो, इसकी असाइनमेंट लिखो। तो उन बच्चों ने जब असाइनमेंट लिखी, उसमें ये स्कोप का भी उन्होंने अच्छे से डिफाइन किया हुआ, ब्रांच भी लिखी हुई है, जो फोल्ड फोर ब्रांचेस इसने भी। तो इस तरीके से फिर हम इसको धीरे धीरे कर करके आगे पढ़ते चले। दो ले लूंगा, एक एंथ्रो और दूसरा। एंथ्रो का आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अगर किसी ने अभी तक क्लास के लिए जो पढ़ना चाहते हैं मेरे से और अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई है, तो आप लोग क्लास रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग कुछ करते हैं। इज कंपेयरिंग ह्यूमन इक्वल्स एथनोसेंट्रिसिज्म। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और इसी से ना एक क्वेश्चन निकल के आता है कि रेस क्या है, ठीक है, रेस क्या चीज है। तो क्या रेस को आपने इस्तेमाल करना है नेगेटिव सेंस में, और जैसे ब्रिटिशर्स ने किया, आपने आपको मतलब एक ऊपर लेयर वाइज बना दिया, हायरार्की बना दी कि कुछ रेसेस अच्छी, जैसे उसने बोला कि व्हाइट रेस जो है, व्हाइट कलर वाले अच्छे रेस के हैं। पर एक दूसरा होता है बायोलॉजिकल टर्म्स में इंसान की डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए। अब रेस का टर्म, रेस टर्म जो है ये साइंटिस्ट ने दी थी डाइवर्सिटी पढ़ने के लिए ह्यूमंस में। जैसे मान लो कुछ ब्लैक ओरिजिन के हैं तो उनके बायोलॉजिकल फीचर्स हमने देखने अलग अलग हैं, फिर कुछ जैसे इंडियंस हैं, द्रविडियंस हैं, तो ये ऐसे क्लासीफाई किया गया बेस्ड ऑन रेस। लेकिन बाद में जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करी, तो उन्होंने फिर अपने आप को बेस्ट रखने के लिए, अपने आप को ऊपर रखने के लिए उन्होंने रेस के बेस पे एसोसिएट कर दिया। जैसे हिटलर था, तो हिटलर ने क्या किया, वो बोलता था कि आर्यन रेस इज प्योर रेन, अपने आप को वो बोलता था कि मैं आर्यन हूँ, जर्मन जो है ये बिल्कुल प्योर आर्यन है, और नॉन आर्यन को जीने का ही हक नहीं है। तो वो क्या करता, ज्यूज का होलोकॉस्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया। हालांकि आज की डेट में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या हुआ है कि उसमें ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के जितने भी अलग अलग रेसेस हैं उन सबका डीएनए निकाला है, और डीएनए निकालने के बाद पता चला है कि सबका डीएनए सेम है, किसी में कोई फर्क ही नहीं है। 99.99% जो डीएनए हमारा है ह्यूमंस का, वो सबका सेम है। तो अगर हम लोगों का 99.99% डीएनए सेम है, तो फिर रेशियल क्लासिफिकेशन तो कुछ रहा ही नहीं। तो इसलिए हमें कभी भी इसको एथनोसेंट्रिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। डिपेंड करता है आप कैसे देख रहे हो, अगर अंग्रेजों के हिसाब से सोचोगे तो फिर एथनोसेंट्रिक आ गए, लेकिन अगर साइंस के हिसाब से सोचोगे तो ये कल्चरल डाइवर्सिटी जैसे है तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आ जाएगी। और साथ में आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का रेफरेंस देना है, उसमें बताना है कि जब सबका डीएनए ही सेम, तो फिर रेस जो बनाई है इंसान वो खुद में ही गलत, ठीक है। ओके फिर दोस्त, थैंक्स अ लॉट। मेरी यही कोशिश होती है कि अगर आप कुछ सीख सको, अगर आप लोगों को कुछ भी बेनिफिट हो सके तो क्यों ना हो। अगर हमें नॉलेज है, हमने सीखा है, स्ट्रगल किया है, तो बाकी भी हेल्प करते हैं। और वैसे मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं ना, इनको काफी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बाहर के बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तेज भी होते हैं और गाइड करने वाले भी होते हैं। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं पिछले 7-8 साल में बड़ा बहुत जगह घूम चुका हूँ। मैं पहले कश्मीर में रहा, तो वहां पे भी सेम यही है। कश्मीर में भी आपको ज्यादा कोई इतना मैंने देखा नहीं कि पढ़ाई के हिसाब से इंटेलिजेंट बहुत है, ब्रिलियंट है बच्चे वहां के, लेकिन जो शेयरिंग वाला एस्पेक्ट है वो मैंने बहुत कम देखा है, क्योंकि मैं 4 साल NIT में रहा हूँ, NIT श्रीनगर में। इंटेलिजेंट बहुत है, नो डाउट, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो पढ़ाई में ऐसे खुद से आगे बढ़ के करना, वो मुझे मिसिंग लगा। फिर बाद में मैं जैसे दिल्ली रहा, तो दिल्ली में तो कुछ है ही नहीं, कल्चर ही मिक्स्ड है सारा, सब आगे पीछे से लोग आए हुए। फिर जैसे हैदराबाद रहा, तो हैदराबाद में बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत लोग हेल्पफुल हैं एक दूसरे को, मतलब पढ़ाई में हो चाहे ऑफिस में हो चाहे जिस हिसाब से भी, जितनी भी वो हेल्प कर सकें करते हैं। लेकिन वहाँ ये कि रिसोर्स पड़े, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, चाहे पढ़ाई में हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत हैं, ऑनलाइन है, मतलब लोगों के पास अवेयरनेस भी है। हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है जम्मू कश्मीर में, तो ये एक चीज़ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो गैप है ये फिल हो जाए, मतलब बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है तो उसको एक गो थ्रू मिल जाए, उसको पता चल जाए कि अच्छा मैंने पढ़ना क्या है, मतलब एक टाइप की जैसे कैरियर काउंसलिंग भी होती है। बच्चों को पता ही नहीं है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जो थोड़े पढ़ाई में ठीक होते हैं माँ बाप बोलते हैं इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर कर लो, डॉक्टर बन जाओ। तो इसके अलावा भी बहुत बड़ी चीज़ है, और इन फ्यूचर आप लोग जानते हो कि फ्यूचर में तो गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, प्राइवेट जॉब्स ही है ना। तो आज की डेट में आपको सोचना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब्स फ्यूचर में नहीं है, जैसे बैंकिंग की बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, और अगर आप लोग नीति आयोग पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट की जो फ्यूचर फोरकास्ट है वो पढ़ रहे हो, तो गवर्नमेंट बार बार हर साल यही बोल रही है कि भाई हम बैंकिंग को इन फ्यूचर प्राइवेट करने वाले हैं। तो अगर आप दिन रात मेहनत करके आज बैंक की जॉब ले लेते हो, 2 साल के बाद बैंक प्राइवेट हो जाएगा, तो आपने इतनी मेहनत किस पर्पज के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए। तो फिर आप
आपकी एज भी ओवर हो जाएगी, फिर आप कहीं स्विच भी नहीं कर सकते, और बैंक का सेक्टर ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा बैंक में ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये मैं आपको डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि आपको अपना हराइजन काफी ब्रॉड करके रखना चाहिए। और मुझे जो चीज एस्पेक्ट्स लगते हैं कि मुझे फुलफिल कर लेने चाहिए किसी को अगर हेल्प चाहिए आज की डेट में, तो उसको अचीव करने में अगर मेरी तरफ से जितनी भी गाइडेंस लगे वो मैं देने के तैयार हूँ। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ठीक है। स्वास्तिक वाला देखो, ये नॉन स्टडीज चीजें हैं, इसको हम बाद में रखेंगे, जो काम की चीजें हैं हम उन पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये देखो फिर डिबेट चीजें खत्म नहीं होती। चलो ठीक है फिर, हाँ फिर हम आज एंड करते हैं। मुझे लगता नहीं आप लोगों का कोई डायरेक्ट वो है। स्वास्तिक और हिटलर वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, स्वास्तिक हम लोगों का रिलीजियस सिंबल है, हिटलर की नाजी जो पार्टी थी उसका सिंबल था वो, तो इट्स मेयर अ कोरिलेशन, कुछ ऐसा और है नहीं। ठीक, चलो अमित मुझे कुछ भेज रहे हैं कि सर ऐसे हो जाएगा। हाँ अमित आपकी बात सही है, हो तो जाएगा जो आप लिख के भेज रहे हो, लेकिन मेरे बहुत नोट्स हैं, मैंने पूरे नोट्स बनाए हुए हैं, तो ये जो आप चीज बता रहे हो ना इसको करने में बड़ा टाइम लगेगा। एक एक को इंडिविजुअली आपने देखे मेरे नोट्स, हर जगह पे मैंने लिखा हुआ छोटा छोटा, तो ऐसे करके बहुत टाइम लगेगा मुझे। तो देखते हैं कोई आसान तरीका ढूंढते हैं। मैंने उनको मेल किया हुआ है जिसने वो ऐप डेवलप की हुई है ना, उनको मैंने मेल किया हुआ है कि लेटेस्ट, एक्चुअली एप्पल का यही तो फायदा है, एप्पल की एप्स कंपेटिबल होनी चाहिए विद अपग्रेड। तो अगर एप्पल ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया है 16 पे, है ना, तो जो एप्स हैं उसमें बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, बैकवर्ड या फॉरवर्ड कंपेटिबिलिटी की जो नई चीज आ रही है। तो उन्होंने लिखा ना इसलिए कि 16 में बग है, तो ये ऐप में बग नहीं है, ये iOS में बग है, तो iOS को इसको इम्प्रूव करना है। तो एप्पल वाले तो आपको पता ही है बड़े तेज होते हैं, वो तुरंत के तुरंत दे देते हैं उसका अपग्रेड, तो हो सकता है इस महीने या अगले महीने अपग्रेड दे ही दे, तो फिर उस चीज के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है जो हमें पता है कि कल को हो सकती है, वेस्टफुल एफर्ट नहीं ना मारना चाहिए। ठीक है गाइस, तो काफी अच्छा लगा आज का, काफी लंबा भी हो गया। आई डोंट नो कि आप लोगों ने भी मेरी तरह अभी डिनर नहीं किया होगा, लेट हो रहे होगे, तो आप लोग डिनर कर लीजिए, तो फिर हम मिलते हैं, कल मिलते हैं हम सेम टाइम। ठीक है, ठीक है, थैंक्स। और बाकी मैंने जो ये शेयरिंग बंद की है इससे कोई नाराज मत होना, ये मैंने आपके ही भले के लिए शेयरिंग अलाउ नहीं की हुई है, क्योंकि ज्यादा मटेरियल लेना कोई अच्छी बात नहीं है, कम मटेरियल लो, काम का मटेरियल लो। और बार बार सेम क्वेश्चन पूछने से भी कई बार क्या होता है कि ओब्लिवियन होता है। बड़े सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, बोलते हैं सर आप चैट बंद कर दो, आप ये कर दो वो कर दो। मैं नहीं चाहता कि चैट बंद करूं, क्योंकि चैट बंद करने से मेरा पर्पस नहीं होगा ना सॉल्व, मेरा कोई मॉनेटरी एस्पेक्ट तो है नहीं कि मैं आपको नोट्स सेल कर रहा हूं या कुछ कर रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो पूछो, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा तो इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा ना, कि सेम चीज मैं हजार बंदों को नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ग्रुप इसीलिए बनाया हुआ है कि जो भी आपकी क्वेरी है आप उसको एक बार सर्च कर लो पहले, कि अगर किसी ने पहले आपसे पूछ रखा है आप वहां देख लो मैंने जवाब दिया हो। अगर आपको लगता है कि किसी ने नहीं पूछा है पहले तो फिर आप लिखो, लेकिन नोट शेयरिंग मैंने बंद इसीलिए किए हैं क्योंकि भाई उससे क्या होता है, हो सकता है आपको वो नोट्स पसंद हो लेकिन इस ग्रुप में हजार से ज्यादा बच्चे हैं, फिर क्या होगा, जो बाकी बच्चे होंगे वो सोचेंगे अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं हम ये भी पढ़ लेते हैं। अब अगर एक बच्चे का आधा घंटा भी दिन का टूट रहा है ना, वो अच्छी बात नहीं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता आपका टाइम टूटे, जो लिमिटेड रिसोर्सेज मैं दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है वैसा आप मुझे मैसेज करो कि सर ये वाले नोट्स हैं क्या हम इसको पढ़ें, तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये एस्पेक्ट है सिर्फ उसका, कॉपीराइट इशू भी आएगा, सही बोल रहे हो, तो चैनल बैन हो जाएगा, फिर कहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, कॉपीराइट इशू भी आता है, तो इसीलिए मैं जो भी चीज शेयर करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि वो कॉपीराइटेड ना हो। ठीक, तो अपने लेवल पे आप लोग कर सकते हो, है ना, जैसे अपने लेवल पे आपको लगता है पार्टिसिपेंट्स में आपका कोई जान पहचान को, उसको मैसेज करो, पर्सनली मैसेज करो, उनको ले लो उनसे वहां से जाओ। ठीक ठीक है, फिर हम बंद करते हैं आज का सेशन, तो फिर हम कल मिलेंगे, कल आगे का करेंगे। ठीक है, थैंक यू।